हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम चेस्ट 36 इंच की फोर्टेक्स ब्लाउज के डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम उसका मेजरमेंट देखेंगे। चेस्ट है 36 इंच, शोल्डर है 5.5 इंच, आर्मोल है 5.5 इंच, फुल लेंथ है ब्लाउज की 13.5 इंच, वेस्ट है 29 इंच, स्लीव की लेंथ है 4 इंच और इसका बॉटम है 5.5 इंच, फ्रंट का नेक है 5.5 इंच और बैक का 9 इंच। तो देखिए यहाँ पर हमने ये ब्लाउज पीस लिया है, इसे मैं डबल फोल्ड में करूँगी। तो किनारे की तरफ से हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ हम नीचे बॉटम की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि जो भी टेढ़ा मेढ़ा पोर्शन होगा उसे हम कट कर लेंगे। तो इसे कट करने की ज़रूरत नहीं, ये सीधा पोर्शन है। तो यहाँ हम नीचे पहले 1 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम ब्लाउज की फुल लेंथ लेंगे। फुल लेंथ है 13.5 इंच और शोल्डर में हम सिलाई के लिए लेंगे 1/2 इंच। तो इस तरह से हम 1 इंच के ऊपर ब्लाउज की फुल लेंथ लेंगे 14 इंच, 13.5 इंच, 1/2 इंच प्लस। तो 14 इंच में हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे और जो 1 इंच है हमारा ये नीचे फोल्ड में जाएगा। यहाँ से हम नेक की चौड़ाई लेंगे 14 इंच, क्योंकि बैक नेक डीप है इसलिए हम 14 इंच चौड़ाई लेंगे। आर्मोल है 5.5 इंच, बैक का नेक है 9 इंच, उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए 9.5 इंच। और यहाँ से हम ब्रॉडनेस लेंगे 1/2 इंच बढ़ा के, यहाँ से हमने 14 इंच ली तो यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ाएंगे 2.75 इंच का बॉक्स बना देंगे। और यहाँ नेक का शेप देंगे, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। आर्म होले 5.5 इंच, तो उसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे 6 इंच, एक सीधी लाइन दे देंगे हम। और 1/2 इंच में हम एक शोल्डर डाउन के लिए यहाँ से तिरछी लाइन लगाएंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ से चेस्ट का 1/4 लेना है। चेस्ट है 36 इंच, उसका 1/4 है 9 इंच, सिलाई मार्जिन लेंगे हम 2 इंच, 11 इंच, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। अब 1.5 इंच भी सिलाई मार्जिन ले सकते हैं। अब हमें यहाँ से 1.5 इंच पे आर्म होल का गोलाई का शेप देना है इस तरह से। वेस्ट है 29 इंच, उसका 1/4 लेंगे। 29 इंच का 1/4 है 7.25 इंच, 1 इंच हम दाट के लिए लेंगे और 1.5 इंच हमारी यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेंगे। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे हम लेंगे दाट के लिए 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तरह से 4 इंच लेंगे नीचे से ऊपर तक और 1/2 इंच में हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इसे हम कट कर लेंगे। मैं इसे सीधा कट कर लूंगी, बाद में हमने कट करेंगे। हम
नेक लाइन पे हमें नॉच लगा देंगे और यहाँ पे फिटिंग लाइन में भी और यहाँ पे हम टक्स के लिए भी। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये खुला हुआ भाग इस साइड रखा है और बैक पार्ट को हमें इसे रखना है इस तरह से। हम यहाँ पे क्रॉस पट्टी नहीं निकालना है इसलिए हम इसे बराबर रखेंगे। और यहाँ से देखिए कमर के साइड से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच पे फ्रंट का टैक्स लगाना है मेन टैक्स, तो इसलिए हम 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखेंगे और जैसे वैसे हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से सिर्फ हमें 1/2 इंच बढ़ा के लेना है। हुक लुक पट्टी के लिए हम सिलाई मार्जिन लेते हैं तो इसके लिए हम 1/2 इंच यहाँ पे बढ़ा के लेंगे इस तरह से और इसे हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से 1/2 इंच लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच। आधा इंच इसलिए कि यहाँ पे हमारे एक टक्स आएंगे फ्रंट पार्ट में, उसके लिए हम 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा के लेते हैं। इसे हटा देंगे। फ्रंट करने के 5.5 इंच उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे 6 इंच। तो ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हम नेक का शेप देंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ से हम लेंगे 5.5 इंच क्योंकि 1/2 इंच हमने शोल्डर डाउन लिया है इसलिए हम 5.5 ले लेंगे। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। अब हमें यहाँ से 1/2 इंच अंदर की ओर एक तिरछी लाइन देना है। इस तरह से। अब यहाँ से देखिए हमने जो लाइन ड्रॉ की यहाँ से हमें 1 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करना है और यहाँ से हमें फ्रंट आर्मोल का शेप देना है इस तरह से। ज्यादा इंच हमारी मार्जिन रहेगी। अब हमें मेन टक्स के लिए देखिए यहाँ से 4 इंच लेना है, नहीं तो यहाँ से हम इस तरह से सेंटर निकालेंगे। सेंटर से हम नीचे की ओर बस पॉइंट का एक लगाएंगे यहाँ पे 9.5 इंच, उसमें 10 इंच 1/2 इंच मिलाएंगे तो 10 इंच ये हमारा बस पॉइंट रहेगा। ठीक उसके नीचे हमें सीधी लाइन दे देंगे इस तरह से। उसके साइड से हम 1.5 इंच में एक मार्किंग करेंगे। इस तरह से मिला देंगे। देखिए इस तरह से यहां से हमें थोड़ा हल्का सा ऊपर लेते हुए 1 इंच पे एक मार्किंग करना है और यहाँ से भी हमें हल्का सा थोड़ा ऊपर 1 इंच लेते हुए एक मार्किंग करना है। इसे हम यहाँ पे मिला देंगे सीधा और 1/4 इंच पे हम तिरछी लाइन देंगे। इस तरह से यहाँ भी हमें थोड़ा कमर के साइड में नीचे की ओर लेना है तिरछा लेना है, उसे भी हम 1/4 इंच पे बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे टक्स के लिए। अब हमें यहाँ पे ऊपर की ओर 1.5 इंच लेना है, मेन टक्स से ऊपर 1.5 इंच लेना है। इसे हमें आर्महोल में मिला देना है, उसे भी हम 1/4 इंच पे तिरछी लाइन दे देंगे इस तरह से।
ये हो गया हमारा 4 टक्स। अब इसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हम नॉच लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये बचा हुआ फैब्रिक है, इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। पहले से डबल फोल्ड है और इसे हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। स्लीव की लेंथ है 4 इंच, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे क्योंकि बगर अस्तर का ब्लाउज है तो 1.5 इंच प्लस करेंगे, अस्तर वाला है तो 1 इंच। तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे एक निशान लगा दूंगी और यहाँ से हमें चेस्ट का 1/4 लेना। चेस्ट का 1/4 है 9 इंच। जैसे हमें कैफ हाइट लेना है 2.5 इंच। डेढ़ इंच में यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेना है, आप चाहे तो 1 इंच भी ले सकते हैं। और यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और इसे हम गले का शेप देंगे बैक का और मोल का इस तरह से, और 1/2 इंच का गैप रखते हुए फ्रंट और मोल का शेप देना है इस तरह से। यहाँ से हम बॉटम लेंगे 5.5 इंच, उसमें भी हम 1.5 इंच प्लस करेंगे और इसे हम इस तरह से मिला देंगे। देखिए यहाँ पे हमारी स्लीव की इस तरह से हमने डायग्राम कर दिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब इसे हम सीधा रखेंगे, इसे कट कर लेंगे फ्रंट आर्मोल को। तो यहाँ पे हमारी ये स्लीव की कटिंग हो गई है। इस तरह से हमने बगल बेल्ट वाले 4 टक्स ब्लाउज की यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग की है। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।